तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो आज की क्लास बेटा हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने लेकर के आए हैं और एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्या करेगा। ये छोटी सी बात है बेटा लेकिन इसका मोरल बहुत बड़ा है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूं तब तक कोई दूसरा बेटा आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आपको बेटा स्प्रेड होना, क्या करना है, स्प्रेड होना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है तो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट एग्जाम क्रॉस करने के बाद, क्लासिक एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद, जब भी वो बेटा कॉलेज में पहुंचे, जब भी वो अपनी जॉब पर पहुंचे तो अपने साथ में बेटा एक टीचर को हमेशा जिंदा रखे, हमेशा लोगों को गाइड करे, हमेशा लोगों को समझाए। क्योंकि तो सिर्फ एक सबसे जरूरी होता है, यदि आपने एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को भी बेटा अपने जीवन में अगर अच्छा कुछ सिखा दिया, अच्छा कुछ बता दिया, तो समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है वो सुधर गया। मेरा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मेरे को जो नॉलेज है, जो मैंने गेन की है, जो मैं कर रहा हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक लगातार पहुँचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में बेटा कनेक्ट हूँ। इसी के साथ में आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एट्रियोस्क्लेरोसिस के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एट्रियोस्क्लेरोसिस के बारे में, यानी एट्रियोस्क्लेरोसिस एक आर्टरी की ही डिसऑर्डर है। क्या है बेटा, एक आर्टरी की ही डिसऑर्डर है, ठीक है। क्लास की शुरुआत से पहले जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं फटाफट से बेटा अपनी अटेंडेंस दें। गुड इवनिंग सभी को बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? इट इज द कंडीशन इन विच नैरो एंड हार्डेंड आर्टरीज ड्यू टू बिल्डअप ऑफ द प्लग अराउंड द आर्टरियल वॉल। मतलब आर्टरीज की वॉल पर यदि किसी पर्सन के अंदर कोई प्लग जमा हो जाए, क्या हो जाए बेटा, यदि कोई प्लग जमा हो जाए, कोई क्लॉट जमा हो जाए, तो उस कंडीशन की वजह से, उसकी वजह से जो आर्टरी है बेटा वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। आर्टरी क्या होगी, नैरो होगी और हार्ड होगी। आर्टरी क्या होगी बेटा, नैरो होगी और हार्ड होगी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एथ्रियोस्क्लेरोसिस। तो एथ्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया, इट इज द नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लग अराउंड द आर्टरियल वॉल। मतलब आर्टरीज की दीवार पर, आर्टरीज की वॉल्स पर प्लग इकट्ठा होने की वजह से, फैट इकट्ठा होने की वजह से, लिपिड इकट्ठा होने की वजह से आर्टरी की वॉल डैमेज हो, आर्टरी की वॉल हार्ड हो या नैरो हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा एथ्रियोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, एथ्रियोस्क्लेरोसिस। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एथ्रियोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर के बारे में, ठीक है। यानी कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पर्सन में एथ्रियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। देखिए नंबर एक पर आता है डायबिटीज। यदि किसी पर्सन में क्या हो बेटा, डायबिटीज हो, तो डायबिटीज के पेशेंट में आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्यों होता आता है, क्योंकि डायबिटीज का जो पेशेंट होगा उसके अंदर मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन द सेंस जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या रहेगी बेटा, स्लो रहेगी। जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या रहेगी, स्लो रहेगी। जब मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगी तो जो भी आप फैट का इंटेक कर रहे हो, जो भी आप फैट का या लिपिड का बेटा इंटेक कर रहे हो, वो लिपिड या फैट का प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा बेटा, डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जिसके कारण यही फैट या लिपिड जाकर के जो आर्टरीज है बेटा, जो आर्टरीज है उनकी वॉल्स पर, आर्टरीज की जो वॉल्स है उन पर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, आर्टरीज की वॉल पर जाकर के बेटा इकट्ठा हो जाएगा और ये आर्टरी की वॉल्स को नैरो कर देगा। क्या कर देगा, नैरो कर देगा। क्योंकि डायबिटीज के मरीज में आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, डायबिटीज के मरीज में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करती है। क्या अफेक्ट करता है बेटा, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा
नेक्स्ट है अगला स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से बेटा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कैसे हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कैसे हो सकता है, तो स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि स्मोकिंग जब कोई व्यक्ति करेगा तो स्मोकिंग करने से क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाएंगे, है ना, टॉक्सिन्स जाएंगे। जैसे कि टॉक्सिन्स जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, उसके अलावा टोबैको जाएगा। तो जो टोबैको और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या होंगे, धीरे धीरे जाकर के बेटा क्या होंगे, जो आर्टरीज की वॉल है उन पर जाकर के क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। अब आप ये समझ लीजिए, इसमें आर्टरी सिर्फ हार्ट से मतलब नहीं है, ब्रेन से मतलब नहीं है, आर्टरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी मतलब है। तो यदि किसी मरीज के पल्मोनरी मतलब लंग्स की जो सप्लाई है, पल्मोनरी सप्लाई के अंदर माने लंग्स की जो सप्लाई बेटा, उसके अंदर यदि किसी पर्सन में ये कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा हो, टोबैको इकट्ठा हो या टॉक्सिन इकट्ठे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से नैरोइंग या हार्डनिंग देखने को, ठीक है। अगला है बेटा स्ट्रेस। अगला कोच क्या है स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर, आपने देखा होगा कि भाई स्ट्रेस होने से क्या होता है, प्रॉपर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन नहीं होता है। स्ट्रेस की वजह से क्या नहीं होगा, प्रॉपर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन नहीं होगा। तो स्ट्रेस की कंडीशन में पेशेंट का जो फैट या लिपिड का जो डाइजेशन है वो भी अफेक्ट होगा। फैट या लिपिड का डाइजेशन है वो भी बेटा अफेक्ट होगा। क्यों होगा अफेक्ट, क्योंकि आपने एक केमिकल है जिसका नाम सुना होगा बाइल जूस। क्या है बेटा, बाइल जूस, जिसको कौन बनाता है बेटा, लिवर बनाता है। बाइल जूस को सीक्रेट कौन करता है, लिवर। और ये स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर कहाँ होता है बेटा, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है, ध्यान रखना। लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर को स्टोर करता है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, बाइल जूस का मेन काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इसका मेन फंक्शन है बेटा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इसका मेन फंक्शन है। तो जब फैट का ही इमल्सिफिकेशन हो जाएगा तो पर्सन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का लिपिड का डिपोजिशन नहीं होगा। लेकिन जिस मरीज में स्ट्रेस की कंडीशन होगी तो उस मरीज के अंदर प्रॉपर तरीके से बाइल जूस और डाइजेस्टिव जूस बेटा सीक्रेट नहीं होंगे, तो पर्सन में इमल्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो सकता है ब्लड वेसल्स में। अगला, हाई कोलेस्ट्रॉल तो उसका कारण है ही है। नेक्स्ट, नॉट ईटिंग सफिशियंट फ्रूट और वेजिटेबल। यदि कोई व्यक्ति सफिशियंट फ्रूट या वेजिटेबल नहीं लेगा तो उसके अंदर फाइबर्स की मात्रा नहीं पहुंचेगी, या फाइबर्स नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा, लिवर भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, जिसके वजह से लिवर प्रॉपर या तो डाइजेशन नहीं करेगा, या मूड फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स या बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेटा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण पेशेंट में क्या हो सकता है, एट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, है ना। अगला है एब्डोमिनल ओबेसिटी। यदि किसी पर्सन में ओबेसिटी हो तो बेटा ओबेसिटी तो है ही है कोलेस्ट्रॉल का कारण, ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगला, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से कैसा होगा या कैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, तो समझिए ध्यान से। देखिए होता क्या है कि जब पेशेंट का बीपी हाई होगा क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हाई होगा। जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज की वॉल है, डैमेज होंगी, है ना। और वहां पर क्या होगा बेटा, इन्फ्लामेशन होगा, आर्टरी की जो वॉल है वो डैमेज होंगी, इसकी वजह से वहां पर क्या होगा बेटा, इन्फ्लामेशन होगा। जब आर्टरीज की वॉल डैमेज हुई, इन्फ्लामेशन हुआ आर्टरीज की वॉल में, तो इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर बेटा डिपोजिशन होने लगेगा प्लग का। किसका, प्लग का डिपोजिशन होने लगेगा, ठीक है, प्लग का डिपोजिशन होने लगेगा। अब वो प्लग बेटा फैट का भी हो सकता है, वो प्लग ब्लड का भी हो सकता है, यानी ब्लड क्लॉट का भी हो सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सेसिव एल्कोहल। यदि कोई पर्सन एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक करेगा, अत्यधिक मात्रा में क्या करेगा बेटा, एल्कोहल इंटेक करेगा, तो जब ज्यादा मात्रा में एल्कोहल इंटेक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्कोहल इंटेक होने की वजह से क्या होगा, एल्कोहल डायरेक्टली बेटा इफेक्ट किस पे डालता है, लिवर पे या हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। और साथ में एल्कोहल की वजह से ब्लड प्रेशर भी तो इंक्रीज होता है, तो लिवर जो मैंने ऊपर बताया, लिवर के डैमेज होने की वजह से और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, दोनों ही कारण से पेशेंट में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, पर्सन में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ। अब हम पढ़ेंगे बेटा साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी पर्सन में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो क्या क्या लक्षण आएंगे, तो ये डिपेंड करता है बेटा, सिम्टम डिपेंड करेंगे अफेक्टेड आर्टरी पर, यानी कौन सी आर्टरी अफेक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा।
नंबर एक पे है बेटा कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी क्या है, जो हार्ट को सप्लाई करे। कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड सप्लाई होती है, वो ब्लड वेसल होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है, हार्ट को सप्लाई करती है। यदि किसी पर्सन में कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई लिमिटेड हो जाए, घट जाए, तो पर्सन में एंजाइना या हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिलेगी। यदि किसी पर्सन में कोरोनरी आर्टरी के अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, कोरोनरी आर्टरी का लुमेन छोटा हो गया, तो उस पर्सन में लिमिटेड ब्लड सप्लाई के कारण, ब्लड सप्लाई की कमी के कारण, ईशीमिया के कारण पेशेंट में एंजाइना या हार्ट अटैक होगा, ठीक है। और जिससे सिम्टम क्या आएंगे, एक्सट्रीम एंजाइटी और वोमिटिंग हो सकता है बेटा। नेक्स्ट कफिंग हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है मरीज में, ठीक है, ये सिम्टम आएंगे। अगला कोरोनरी कैरोटिड आर्टरी, अगला है बेटा कैरोटिड आर्टरी, जो किसको सप्लाई करती है, ब्रेन को सप्लाई करती है, ध्यान रखना। ये कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को सप्लाई करती है। जब ब्रेन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, जब ब्रेन में ईशीमिया होगा, ब्रेन में क्या हुआ बेटा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हुआ, ब्रेन के अंदर ईशीमिया होगा, ईशीमिया होगा, जिससे हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा। और हाइपोक्सिया वजह से क्या होगा बेटा, नेक्रोसिस होगी। हाइपोक्सिया वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होगी। जब नेक्रोसिस होगी तो सेल डेथ होगी, जिसके कारण मरीज में क्या क्या लक्षण आएंगे, एक तो हेडेक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या फेशियल नंबनेस। हेडेक माने सिर दर्द, पैरालिसिस माने क्या होता है, बॉडी के नर्वस सिस्टम का और मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन टूट जाना, कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाना, पैरालिसिस। अगला फेशियल नंबनेस हो सकती है पेशेंट में, वीकनेस हो सकती है, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सभी बेटा सिम्टम देखने को मिलेंगे, कमजोरी आएगी और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, ठीक है। जब ब्रेन भाई, क्योंकि ब्रेन के लिए ब्रीथिंग डिफिकल्टी कैसे होगी, कि ब्रेन के लिए जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो ब्रेन का ही एक पार्ट है बेटा मेडुला ओब्लॉन्गेटा, मेडुला ओब्लॉन्गेटा जो मेडुला ओब्लॉन्गेटा है वो किसकी तरह काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेंटर की तरह, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की तरह काम करता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर की तरह भी काम करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर की तरह काम करता है, मतलब रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो यदि किसी पर्सन में ब्लड सप्लाई ब्रेन की कम होगी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी तो अफेक्ट आएगा, साथ ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी अफेक्ट आएगा, ठीक है बेटा। अगला, अगर यदि किसी पर्सन के रीनल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, रीनल आर्टरी में ब्लड में डिफेक्ट आ जाए, तो उस पर्सन के अंदर क्या होगा, क्रॉनिक किडनी डिसीज हो सकती है, उसके साथ साथ डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, एनोरेक्सिया और स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। अच्छा, स्वेलिंग क्यों हो रही है बेटा, ये समझो, स्वेलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जब किडनी के टिश्यू डैमेज होंगे, तो प्रॉपर तरीके से जो वाटर का एक्सक्रीशन, जो वेस्ट का एक्सक्रीशन है, यानी वेस्ट का जो एक्सक्रीशन है, वो प्रॉपर नहीं होगा, वेस्ट का एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा। वेस्ट के साथ में बेटा H2O, पानी का भी तो एक्सक्रीशन होता है, फ्लूड का भी तो एक्सक्रीशन होता है। यदि किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी, तो फ्लूड का प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो पर्सन के अंदर वो फ्लूड एक्सेसिव अमाउंट में रह करके इडीमा बना देगा, स्वेलिंग बना देगा हैंड और फीट में बेटा, समझिए, दोबारा से समझा रहा हूँ। हैंड और फीट में स्वेलिंग कैसे आई, कि जब किडनी खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीट नहीं होंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो पानी है, वाटर है बॉडी में, फ्लूड है, वो एक्सक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से पर्सन में क्या होगा, इडीमा या स्वेलिंग देखने को मिलेगी बेटा, इडीमा या स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ याद रखिएगा, बीपी भी बढ़ेगा, मरीज का ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि किडनी का काम बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना भी होता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी डिफेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए, उसके बाद बेटा आप सभी को पता ही होगा, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस ने बेटा एक ऐप लॉन्च किया है, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर से बेटा मिलेगा, प्ले स्टोर से आपको बेटा उसको डाउनलोड कर लेना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसको डाउनलोड करने से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों हम लें उसको। वैसे तो हमारी क्लासेस यूट्यूब पे भी बेटा बिल्कुल फ्री, सारी की प्यारी पड़ी हुई है और आगे चलेंगी, लेकिन उस ऐप को लेने से, जब बच्चे को फ्री में ही मिल रहा है, तो ऐप लेने से क्या फायदा, आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि उस ऐप को क्यों। देखो समझो बेटा, ऐप को लेने का कारण ये है, पहला जो हमने वीडियो लेक्चर आपके बना रखे हैं, उन वीडियो लेक्चर्स का जो अपडेटेड फॉर्म है, मतलब प्रॉपर तरीके से सभी लेक्चर्स को बेटा अपडेटेड करके प्रॉपर तरीके से बना करके हमने ऐप में डाला है, एक चीज। दूसरा, ऐप में बेटा बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले 100-150-200 वीडियो या 100-150-200 क्लासेस बेटा रिकॉर्ड करके, या पुरानी कोई यूट्यूब की क्लास रिकॉर्ड करके मैंने उसमें डाल दिया, नहीं। पर डे रेगुलरली मैं क्लास अपलोड करता हूँ, पर डे नई क्लास बनती है, पर डे मैं एक नई क्लास तैयार करता हूँ, नए नोट्स तैयार करता हूँ, देन उसके बाद में बेटा ये क्लास आती है।
देन उसके बाद में ऐप में बेटा क्लास जाती है, बिल्कुल अप टू डेट आपको बेटा मेटेरियल मिलेगा। पहला फायदा तो ये है कि आपको अप टू डेट मेटेरियल मिलेगा जो कि आपके बेटा सिलेबस के हिसाब से होगा, आपकी फैकल्टी के हिसाब से होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको बेटा रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह की क्लासेस मिलेंगी, मोस्टली बेटा रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास लेने से फायदा ये है कि जो रिकॉर्डेड क्लास है उनको स्टूडेंट बार बार लगातार कई बार देख सकता है, जिससे उसके एग्जाम तक उसको बेनिफिट हो। भाई देखो मेरा बेटा सीधा सीधा जो ठंडा है, सीधा जो सोचना है वो ये है कि मुझे नर्सिंग के जो कोर्स फाउंडेशन बच्चे कर रहे हैं, जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं बच्चे, फाउंडेशन इन द सेंस जो नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी, जीएनएम बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी बच्चा कोर्स कर रहा है उसे हम कहेंगे फाउंडेशन, उसे हम क्या कहेंगे बेटा फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में जो बच्चा है, जो फाउंडेशन कोर्स का बच्चा है, मुझे बेटा उसे आगे ले जाना है, मुझे उसे आगे ले जाना है। तो उसे आगे ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर रेगुलर क्लासेस देनी पड़ेंगी, अपडेटेड क्लासेस देनी पड़ेंगी। तो उसको बेटा मैं ऐप पे दे रहा हूँ, इसीलिए आप चाहिए ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जो कोर्स है अभी फिलहाल में मैंने जैसा ही बताया बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोर्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी मैं आपको दूसरी जगह से उठा करके दे रहा हूँ या मैं यूट्यूब से ही बेटा जो वीडियो पड़ी हुई है उन्हीं को मैं डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको मैं अभी शुरुआत में स्टार्टिंग में बेटा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, जो इस समय फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर बेटा बेस होता है, फर्स्ट ईयर मेन होता है, बेस होता है, और जो बच्चा बेसिक, जिनका बेसिक क्लियर होता है वही बच्चे आगे कॉम्पिटिशन फाइट करते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक प्रॉपर बेसिक और प्रॉपर बेटा उनका कोर्स तैयार किया है। उस कोर्स में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो आप बेटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे, चाहे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का दो, एमपी फैकल्टी का दो, पंजाब फैकल्टी का दो, राजस्थान फैकल्टी का दो, किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी का दो बेटा, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का दो, आईएनसी से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम देंगे तो उसमें ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। इस कोर्स से पढ़ करके बेटा आपको 100% सक्सेस मिलेगी, 100% इसमें से आपके बेटा एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। इस बात को सोच करके, इसको ध्यान में रखते हुए बेटा मैं ये कोर्स बना, ठीक है। इसमें आपको साथ के साथ बेटा पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और यहाँ से आगे की जो क्लासेस है उनके नोट्स भी यूट्यूब पे, भले ही जो क्लास चल रही है उनके नोट्स और उनकी लिंक भी बेटा आपको ऐप पे मिल जाएगी। जो यूट्यूब पे लगातार लाइव क्लास और नोट्स मिल रहे हैं वो आपको बेटा ऐप के अंदर मिलेगी, वो आप ऐप पर बिल्कुल फ्री देख सकते हो। जो नोट्स हैं, जो नोट्स हैं जो मैं यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ, उनके नोट्स आपको बेटा यूट्यूब पे क्लास होने के बाद में ऐप में आपको मिल जाएंगी, उनकी नोट्स, ठीक है, उनके फ्री वाले कंटेंट में जाकर के ऐप में आप जाइए, ऐप खोलिए, उसमें फ्री वाला जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करिए, देन आपको वहां से वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यदि कोई डाउट है तो आपको बेटा लाइव डाउट सेशन मिलेगा और आपका सिलेबस वाइज टॉपिक आपके बेटा कंप्लीट करे जाएंगे, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे दूसरा ये है, कई स्टूडेंट बेटा कमेंट कर रहे हैं, अभी कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हम इस कोर्स को कैसे खरीदें या कितने में ये मिलेगा। तो बेटा ये जो कोर्स है आप सभी के लिए मैंने 2999 में रखा है, कितने में रखा है, 2999 में रखा है, जिसकी वैलिडिटी बेटा पूरे एक साल के लिए, कंप्लीट एक साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। एक बार आप उसको खरीद लीजिए, एक बार उसको बेटा आप पे करिए, 2999 एक बार आप पे करिए, देन उसके बाद आप एक साल तक लगातार बार 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 बेटा रिपीट करके उन लेक्चर्स को आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, इसलिए अभी ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही करोगे, एनरोल करोगे तो आपको 100-150-200 वीडियो मिल जाएंगे, नहीं बेटा, जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पर डे लेक्चर्स बेटा अपडेट करूंगा, पर डे लेक्चर्स आपके ऐप पे आएंगे, टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे, सिलेबस वाइज लेक्चर होंगे, ठीक है। आप चाहिए बेटा, अगर मिनी अटेम्प्ट की क्लासेस पे आपको ट्रस्ट है, आप चाहिए ऐप को लीजिए और देन आप अपनी बेटा पढ़ाई करिए। मेरा जो विजन है वो मुझे क्लियर करना है, मुझे हर हालत में बेटा फाउंडेशन के जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन के लेवल पर लेकर के जाना है। जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, जो बेसिक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, उन स्टूडेंट्स पर ध्यान दे के उन पर फोकस करके बेटा मेरे को कॉम्पिटिशन लायक उनको बनाना है, उनका बेसिक बेटा क्लियर करना है, ठीक है। तो जाइए ऐप को बेटा डाउनलोड करिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोर्स जरूरी है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं इस समय, वो बेटा जाइए और कोर्स को बेटा परचेज कर लीजिए, ठीक है।
बाकी की जो फ्री मटेरियल है वो आपका यूट्यूब पर पढ़ाई हुआ है, उसको आप देख सकते हो। अगर आपको और अपडेटेड मटेरियल चाहिए और अच्छा मटेरियल चाहिए और बेस्ट मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप ऐप पे जाइए और ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे बेटा क्लास में डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो देखिए डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हिस्ट्री का कलेक्शन करेंगे हम पर्सन की। क्या करेंगे बेटा? हिस्ट्री का कलेक्शन। वेरी गुड इवनिंग बेटा सभी को, सभी को गुड इवनिंग, सभी को बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन की अगर हम बात करें तो पेशेंट की हम मेडिकल और मेडिकल के साथ में बेटा हम सर्जिकल दोनों की तरह की हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्सन को पहले कोई सर्जरी हो रखी हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से पर्सन में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रही है। अगला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें क्या पता लगेगा? ओबेसिटी के बारे में पता लग जाएगा, है ना, ओबेसिटी के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, ओबेसिटी के बारे में पता लग जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद में हमें ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो ब्लड के अंदर लिपिड्स का लेवल है, ब्लड के अंदर हम लिपिड प्रोफाइल कराएंगे इसमें मोस्टली, है ना। क्या कराएंगे बेटा? हम इसमें कराएंगे लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल क्या है। यदि लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, तो पहले उसे कम करना पड़ेगा या वही उसका कारण है। भाई डायग्नोसिस में हम पता करते हैं बीमारी का कारण क्या है, तो लिपिड प्रोफाइल से हमें पता लग जाएगा या लिपिड्स की जांच से, कोलेस्ट्रॉल की जांच से हमें बेटा पता लग जाएगा कि पर्सन को लिपिड का लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो उसी की वजह से एट्रियोस्क्लेरोसिस हो। अगला है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हम किससे कर सकते हैं? सीटी स्कैन हम आर्टरी या किसी भी वेसल्स का, या जैसे हमें ब्रेन में लग रहा है तो ब्रेन का कर सकते हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो हार्ट का कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है एट्रियोस्क्लेरोसिस की वजह से, वहां का हम सीटी करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं मरीज की। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी भाई जो डिफरेंट डिफरेंट साइट है, डिफरेंट डिफरेंट साइट पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लड फ्लो का, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में नैरोइंग हो रही है तो नैरोइंग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी तो हो सकता है, उसका हमें पता अल्ट्रासोनोग्राफी से चल जाए। क्लियर है। अब बात करेंगे हम मेडिसिन की, मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो उसका उपचार क्या रहेगा? अगर किसी को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गई है तो उसका भाई इलाज भी तो होगा, उसका इलाज भी तो हमें करना पड़ेगा। तो इलाज क्या करेंगे? नंबर एक, एंटी प्लेटिलेट ड्रग देंगे मरीज को, एंटी प्लेटिलेट ड्रग देंगे। तो एंटी प्लेटिलेट ड्रग क्या करती है? ये एक तो बेटा ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, है ना, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। जब ब्लड क्लॉट होने से रुक जाएगा, जब ब्लड क्लॉट होने से रुक जाएगा तो ब्लड जमा नहीं होगा, ब्लड जमा नहीं होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो ब्लड आसानी से बेटा फ्लो करेगा, ब्लड आसानी से फ्लो करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो एस्पायरिन, एस्पायरिन इज ए बेटा एंटी प्लेटिलेट ड्रग। एस्पायरिन एक एंटी प्लेटिलेट ड्रग होती है जो क्या करती है, ब्लड को थिन करेगी, यानी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्लो कर देगी, जिससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट प्रिवेंट होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और इजीली ब्लड फ्लो करेगा। अगला स्टेंस। स्टेंस क्या होते हैं बेटा? कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं। अगला एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन दे सकते हैं मरीज को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ACE इन्हिबिटर्स बोला जाता है, है ना, ACE इन्हिबिटर्स। ठीक है, ACE इन्हिबिटर्स क्या होते हैं? ACE इन्हिबिटर्स क्या होते हैं? ये ब्लड प्रेशर को बेटा घटाते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक कारण बीपी भी है, तो जो ACE इन्हिबिटर्स होते हैं, जो ACE इन्हिबिटर्स होते हैं बेटा, वो ACE इन्हिबिटर्स क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। ACE इन्हिबिटर क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, जिससे पेशेंट को रिलैक्सेशन मिलेगा। एक चीज, दूसरा, ACE इनहिबिटर कहां से सीक्रेट होते हैं? तो इनहिबिटर सीक्रेट नहीं होंगे। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिनको हम ACE बोल रहे हैं, ये कहां से सीक्रेट होता है? ये बेटा लंग्स से सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है, ध्यान रखना, लंग्स से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट का लेवल जैसे ब्लड में बढ़ता है, जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो लंग्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? एक तो हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? हम किसी भी ब्लड वेसल्स को या तो ओपनिंग कर दें उसकी ब्लॉकेज की, यानी इसमें हम क्या करेंगे, एंजियोप्लास्टी में एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक स्टंट डालेंगे, स्टंट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा प्रोसीजर में हम एक गाइड वायर या कैथेटर के थ्रू हम बेटा उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पे हमें पहुंचना है या पर्टिकुलर जगह जहाँ पर ब्लॉकेज है वहां पर जाएंगे, उस ब्लॉकेज को बेटा क्या कर देंगे,
खत्म कर देंगे, ब्लॉकेज को हटा देंगे, जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगला सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यदि किसी पर्सन के हार्ट में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हम क्या करेंगे, कि कोरोनरी ब्लड वेसल यहाँ से रुकी हुई है, जैसे उदाहरण के लिए ये कोई ब्लड वेसल है, कोरोनरी ब्लड वेसल है, इसमें यहाँ पर इस जगह रुकावट है, हम क्या करेंगे बेटा, एक नया रास्ता तैयार कर देंगे। हम क्या करेंगे, एक नया ही रास्ता बेटा तैयार कर देंगे जिसे हम बाईपास कहेंगे। तो ब्लड यहाँ से ना जा करके फिर यहाँ से ऊपर के चला जाएगा, यहाँ से ऊपर के चला जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो गया, जो सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया तो पेशेंट को आराम मिलेगा, ठीक है बेटा। अगला एंडरटेक्टमी कर सकते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, जो एरिथमेटस है बेटा, एरिथमेटस है या कैल्सिफाइड आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको इस प्रोसीजर के द्वारा निकाल देंगे, ठीक है, इस प्रोसीजर के थ्रू बेटा इसको निकाल देंगे, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्यूट पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तेज, तो हमें गोल करना पड़ेगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पेन रिलीफ कराना पड़ेगा। तो कैसे कराएंगे, तो उसके लिए कुछ इंटरवेंशन करने पड़ेंगे। पहला, असेस द लेवल ऑफ पेन, पेन का लेवल असेस करना पड़ेगा, पेन की इंटेंसिटी असेस करनी पड़ेगी, इंटीग्रिटी कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, ये सारी चीजें पता करनी पड़ेगी। देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट, और लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेन रिलीफ करने के लिए मेडिसिन आपके फिजिशियन ने, आपके डॉक्टर ने बेटा प्रिस्क्राइब की है, उसको आपको देना पड़ेगा, मरीज को उसको आपको देना पड़ेगा, क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन की। तो हम किसी भी पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं यदि उसको आर्टेरियल स्क्लेरोसिस है, तो देखिए स्ट्रोक में जा सकता है मरीज। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन के ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होगी तो उसकी वजह से ब्रेन के टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा, ब्रेन के टिश्यू में नेक्रोसिस होगी, ब्रेन के टिश्यू को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोक, यानी ब्रेन की ब्लड सप्लाई का रुक जाना, ब्रेन को जितनी आवश्यकता है उतनी ब्लड सप्लाई न मिल पाना ही क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रोक कहलाता है, क्लियर है। इसको हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं, जो भी थ्योरी लिखी हुई है उसका मैंने सार आपको, इसका अर्थ मैंने आपको बेटा बता दिया है। नेक्स्ट पेशेंट में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, कैसे होगा ये समझिए। अगर किसी पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगी तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा बेटा, उस पर्टिकुलर जगह जहां पर कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर टिश्यू पर जहां पर सप्लाई कर रही है, वहां पर क्या होगा, सबसे पहले ब्लड सप्लाई की कमी होगी। ब्लड सप्लाई की कमी को हम क्या कहते हैं, इशीमिया कहते हैं। इशीमिया की वजह से हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिया की वजह से बेटा नेक्रोसिस होगा, हाइपोक्सिया की वजह से नेक्रोसिस होगा, जिसकी वजह से पेशेंट में हार्ट अटैक या एमआई की कंडीशन डेवलप होगी। अगला है बेटा एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, आर्टरी की वॉल्स का डिस्ट्रक्ट हो जाना, आर्टरी की वॉल्स का डैमेज होने के कारण, आर्टरी की वॉल्स का कमजोर होने की वजह से उसमें एक बल्जिंग हो जाना, क्या हो जाना, ऐसे फूल जाना आर्टरी का, उसे हम कहते हैं बेटा एन्यूरिज्म। तो किसी भी मरीज में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरी की दीवार कमजोर होकर के ब्लड प्रेशर के कारण, ब्लड के प्रेशर के कारण फूल सकती है, बल्ज हो सकती है, इस कंडीशन को बेटा एन्यूरिज्म कहते हैं। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन किसी भी पर्सन में जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है उसमें हो सकता है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड नाइट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं बेटा एक नई क्लास में, अगली क्लास में। इसी तरह से मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से बेटा लाइक करते रहिए, और मिनी अटेम्प्ट को इसी तरह से बेटा प्यार देते रहिए।